आज मंत्री जावर सिंह खरा से आपकी खास मुलाकात हुई, किस विषय पर लेकर आपने उनसे चर्चा की? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से आज जांदू धर्म कांटे पर यूडीएच मंत्री साहब सम्माननीय कर्रा साहब का राजस्थान जाट महासभा का उपाध्यक्ष होने के नाते एवं दूदू जिले के समस्त जाट समाज के गणमान्य लोगों द्वारा सम्माननीय खर्रा साहब का स्वागत सत्कार किया गया और उनको हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में दो बांध हैं, एक कालक बांध और एक छापरवाड़ा बांध है। जो ये प्रस्तावित है गवर्नमेंट की ERCP योजना के तहत, लेकिन हमारी मांग है कि इसको प्रथम चरण में शामिल करके किसानों को पानी, सिंचाई के पानी का लाभ दिलाया जाए जिससे किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सके। और दूसरा मेरा सरकार से मांग है कि जो सिंचाई विभाग की नहरें हैं उनका पूर्ण जीर्ण शीर्ण पड़ी है, उनको ठीक कराई जाए, उनकी साफ सफाई करा के, मरम्मत करा के उनको सही कराई जाए। तथा अभी विधानसभा क्षेत्र में हमारे नगर पालिका नगर परिषद बनी है, उनमें स्टाफ की कमी होने के कारण से हमारे क्षेत्र के किसानों का काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि इनमें कर्मचारी और अधिकारी लगा के किसानों की समस्या का समाधान करें और साथ में जो DLC की रेटें हैं वो भी अधिक होने के वजह से क्षेत्र की जनता इसका लाभ नहीं ले पा रही है। और मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार कैंप लगा के रियायती दरों पर जनता को पट्टे दिलाया जाए और इनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। साथ में मेरा राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारे क्षेत्र में बिजली की घोर समस्या है, इससे भी हमें निजात दिलाई जाए और अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय सहकार।